खासकर ये गाने, जैसे हम सरस्वती बात के स्वरों के बारे में बातें कर रहे हैं और खिलवाड़ सबके दिल में वो जगह उनके लिए है, उन स्वरों के लिए है, चाहे वो क्लासिकल आर्टिस्ट हो, चाहे वो लाइट आर्टिस्ट हो, कैसा भी हो, तारीफ करते सभी के बिना तारीफ के आनंद नहीं आता। ऐसा गाना है सब लोग तारीफ, बहुत अच्छा कंपोज किया। मैंने उनके पिताजी के साथ में भी काम किया, शंकर शंभू जी, और इनको भी तो दीपक बाबू को देखा। मुझे ना कभी कभी जेलस फील होता है कि देखो हमारे सामने हमसे ज़्यादा लाभ कर दिया, लेकिन फिर ये भी लगता है कि ऐसे सुख ये किया इन्होंने, इनके माता पिता ने इनके बच्चे क्या छोटा बड़ा मुझसे मत छोटा क्या सोचा। मैं ज़्यादा तारीफ नहीं, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं अपने आपको बहुत ही भाग्यवान समझता हूँ और बहुत ही क्या कहना चाहिए भाग्यवान का भाग्यवान ही शब्द है समझता हूँ। मुझे आपने याद किया, मेरे हाथ से मैंने हाथ से ऐसे हल करता ये कर रहे हैं। आशा है भविष्य में भी आपके बच्चे के बच्चे फिर आपके बच्चे के बच्चे भाई आपको मैं नहीं परेशान करूँगा, पर आपसे एक बार वापस स्टेज इसके बाद स्पीच हो जाएंगे लॉन्चिंग के बाद ले लेंगे। अभी होल्ड कराइए ना, एंडिंग समीर क्या बात है? अच्छा इधर इधर ये ऐसे पकड़िए ना, हाथ लगाइए ना, आप भी लगाइए। हाँ इतने बैठे रहे आगे आइए सर, आप लोग भी आइए, रहने दीजिए। थैंक यू सर। थोड़ा पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ भैया, पीछे हो जाओ। अच्छा एक और इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, प्लीज हमारे कुछ साउथ इंडियन स्नैक्स वगैरह सब हो रहे हैं, प्लीज़ वो लेके जरूर लीजिएगा प्लीज, उसके बिना मत जाइएगा। पंडित एक फरमाइश आ गई है ऑडियंस से कि समीर इसी गाने की और कुछ लाइनें बनाए यहाँ पे। आजकल वो ऑटो ट्यून वगैरह का जमाना है ना, इसलिए उसमें चेक करते हैं। अच्छी बात है। आइए बढ़िए। कैसे जियो कैसे मैंने सभी गए आकाश के रातों को लेके जाग के निंदेरा दुखा कैसे जी। थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, और वो शेखर भाई की गढ़वा एल्बम से रिलीज हुआ, पर निहार का भी दो लाइन सुनना है भाई, यहाँ पूरी टक्कर देना। जुल्फ ज़ों में तुम्हें कुछ कह न पाया, मगर ये राज दिल को रास आया, समझता नहीं ये कायद जहाँ भर के जरा समझ जो लफ्ज़ों में तुम्हें कुछ कहना पाया। थैंक यू। अतुल राणन का आ जाओ यार। So after this you are all invited to please have your refreshments and the drinks, and in the meantime the friends from press can do one-to-one with the artist and the public. Thank you, thank you so much. Please have tea or coffee. Please feel at home. Please. Thank you everyone for coming. Parul ji, thank you so much. Suman Didi, Nara, thank you so much for coming. Thank you. Welcome. इमोशंस तो कभी कभी कंट्रोल करने पड़ते हैं, बट यस एक जो बीज बोया था वो आज जाके एक पेड़ की शक्ल में नज़र आ रहा है। तो बस कोशिश यही है कि DPMPL दीपक पंडित म्यूज़िक प्राइवेट लिमिटेड, DP म्यूज़िक इस लेवल से, ये मेरा अकेले का नहीं है, ये हर एक वो म्यूज़िशियन का म्यूज़िक लेवल है जो अपनी बात रखना चाहता है, अपना काम रखना चाहता है, अपने जज्बात रखना चाहता है। तो आज इसकी पहल हुई है और मुझे खुशी है कि आज ऐसे गुणीजनों से पद्म विभूषण पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी से आशीर्वाद मिला, उन्होंने इनॉग्रेट किया, इसका विमोचन किया, और DP म्यूज़िक का आज पहला गाना भी लॉन्च हुआ जो मेरे बड़े बेटे समीर पंडित ने गाया है। और मैं श्रेया घोषाल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने बहुत प्यार से इस गाने को समीर के साथ गाया और बहुत टाइम दिया, और वीडियो के लिए भी उन्होंने बहुत टाइम दिया, और कहीं ना कहीं उन्होंने वीडियो डायरेक्ट भी किया। तो श्रेया मैं अमेरिका में है, बट उसको दिल से मैं थैंक यू कहता हूँ। और यही कोशिश रहेगी कि जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि डीपी म्यूज़िक के ज़रिए बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों से आपको रूबरू कराया जाएगा, और जो हमारी जो संस्कृति है, जो क्लासिकल म्यूज़िक एक फाउंडेशन है, क्लासिकल म्यूज़िक के बेस पर ही सारे म्यूज़िक हो सकते हैं, वो गज़ल हो या नज़्म हो या फिल्म सॉन्ग हो, कोई भी हो, आपका अगर क्लासिकल म्यूज़िक स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं वो अपना असर ज़रूर दिखाएगा। तो मेरा कोई कंपटीशन या किसी से ऐसा कुछ भी नहीं है, बस जो मेरे दिल में है वो मैं चाहता हूँ कि वो दुनिया तक पहुँचे। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी वर्ल्ड म्यूज़िक डे टू एवरीवन। इतना अच्छा फीलिंग है आज की, आज हमारा जो लेबल है डीपी म्यूज़िक वो लॉन्च हो रहा है, और उसमें पहला गाना जो है इट्स कंपोज बाय माय डैड, संग बाय मी एंड श्रेया घोषाल जी द लेजेंड। एंड इतनी बड़ी चीज़ है ये मेरे लिए कि सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक मेरे डैड का जो कंपोजिशन होता है वो इतनी डिफ़िकल्ट होती है, और वो एक चीज़ गाना और उसके ऊपर से श्रेया घोषाल जी के साथ वही चीज़ डुएट में गाना, और उसके ऊपर से मेरे पापा ने एक और चीज़ मेरे ऊपर डाल दी थी कि जो श्रेया जी ने स्कैनिंग गाई है उसके साथ मैंने उसके साथ गाया है सिंक करना। तो वो एक बहुत बड़ा मैं कर पाया हूँ, वो चैलेंज था मेरे लिए जो मैं कर पाया हूँ आप सबकी ब्लेसिंग्स की वजह से, और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये गाना। लोग मुझे काफ़ी सारे भेजते हैं कि आपका गाना बहुत पसंद आ रहा है, तो ये देख के बहुत खुशी मिल रही है। डैड एज अ डैड वो ऐसे हैं कि उनको चाहिए कि आप कुछ भी करो पर उसमें अपना 100% दो। वो चाहे मैं अगर मैं म्यूज़िक में होता तो मैं 100% देता, या स्पोर्ट्स में होता, या डॉक्टर बनता, या कुछ भी होता, वो उनकी तरफ से कभी भी प्रेशर नहीं रहा है, पर उनका हमेशा से था कि अपना 100% देना है। तो जब मैंने बचपन से म्यूज़िक करना चालू किया, जब रुचि देखी पापा ने, तो उन्होंने बढ़ावा दिया, और फिर इनके जो बड़े भाई हैं राकेश पंडित जी वो मेरे गुरुजी हैं, तो उनसे मैंने बचपन से सीखा हुआ है क्लासिकल म्यूज़िक। तो आज जो भी मैं गा पा रहा हूँ थोड़ा बहुत वो उनकी बदौलत गा पा रहा हूँ। और ये जो चीज़ है कि मेरे डैड जो है एज अ डैड जो है वो एकदम लीनेंट है, ओवर प्रोटेक्टिव, एंड मतलब पूरा वर्ल्ड है मेरा ये। और जो म्यूज़िक में जब मेरे डैड आते हैं तब उनसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट कोई नहीं हो सकता, वो किसी पर रहम नहीं खाते, उनको जो चाहिए गाने में वो चाहिए, वो चाहे वो कैसे भी हो। इसीलिए ये थोड़ा चैलेंजिंग था, पर बहुत स्मूथली हो गया हर एक चीज़, जो ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स है और जो इतना सबका बड़ों का आशीर्वाद है। समीर, ऑडियंस के लिए आपका जो डेब्यू गाना है डेफिनेटली लाइक ओके। तेरे बिन कैसे जिए, तेरे बिन कैसे जिए, नैनों में भीगे मोरी आस की नदियाँ, रातों को राहें देखे जाग के निंदिया, है अभी जाओ ना पिया, है ऐसे भी दिल ना दुखा, कैसे जिए, तेरे बिन कैसे सकते हो। सुरेश जी वहाँ पर हैं, जा रहे हैं वो भी, तो जो जो जा रहे हैं आप लोग दो लोग कवर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। दीपक पंडित खानदानी कलाकार हैं। शंकर शंभू जो मशहूर क्लासिकल कव्वाल रहे, तो ये शंभू जी के बेटे हैं। शंभू जी भी वायलिन बजाते बजाते गाते थे, ये उनका स्टाइल था। तो वो वायलिन प्लेइंग जो है वो दीपक में आई है, और अब उनके बेटे में गाना भी आ गया इतना अच्छा। दोनों बेटे बहुत अच्छा गाते हैं। तो जो एल्बम रिलीज़ हुआ है उनके बेटे और श्रेया घोषाल दोनों ने गाया है, वो बहुत अच्छा है। हमने सुना और सुन के बहुत मज़ा आया। और कितने अच्छे दिन रिलीज़ हुआ है। आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे है। आज का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट है सब म्यूज़िशंस के लिए, क्योंकि हम सब म्यूज़िशंस आज के दिन भगवान को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमको ये म्यूज़िक का टैलेंट दिया। क्योंकि ये टैलेंट जो है इसका कोई इंजेक्शन नहीं मिलता किसी दुकान में कि आप इंजेक्शन लगा लीजिए और राग मालकों से आपको आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो भगवान इंजेक्शन लगा के भेजता है कि अब जाओ, तुमको मैंने म्यूज़िशियन बना दिया, अब जाके गाओ बजाओ, मज़े करो, लोगों को अच्छा अच्छा गाना सुनाओ। तो हम उसके लिए आज के दिन धन्यवाद देते हैं भगवान को, माँ सरस्वती को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस योग्य समझा कि कुछ संगीत की प्रतिभा लेकर यहाँ भेजा है। तो आज का दिन बहुत खूबसूरत है। आज का जो एल्बम है वो पंडित हरि प्रसाद चौरसिया जी के हाथों रिलीज़ हुआ, ये भी बहुत खूबसूरत बात है, बहुत ही शुभ संकेत है इस एल्बम के लिए। ईश्वर से प्रार्थना है खूब हिट हो, घर घर में ये गाना पहुंचे। ओके डन। हरि जी, आज समीर का गाना लॉन्च किया है, डीपी म्यूजिक का अनवीलिंग किया आपने, क्या कहेंगे? मैं आज पहली बार इनको देखा, इनके पापा को, इनके पापा के पापा को, सबके साथ में बहुत काम किया, फिल्म में काम किया, प्राइवेट में। लेकिन बच्चों को जो देख रहा हूँ ये एक से एक बढ़ते चले जा रहे हैं। मुझे विश्वास भी नहीं होता कि कई बच्चे हैं या भगवान इनको अलग से मिल जाए। बहुत अच्छा होता है, और गाने का जो आइडिया होता है, गाने का जो चलन होता है उससे कहीं हट के चलता है। बहुत अच्छी बात है, भगवान के लिए बैठो। आप लोगों के सबकी तो दुआ लगे, और जहाँ भी जाए बस भारत का। गुरु जी, आप स्पेशल प्रयागराज से आए हैं, आज विश्व संगीत दिवस है, तो ऐसे में दीपक जी के लिए क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे? मैं तो दीपक बाबू पे जहाँ जाएंगे वो दीपक जला के आएंगे, जहाँ भी जाते हैं। प्रभु की कृपा है, अच्छा कंपोजिशन, अच्छे गायक, अच्छी गायिका को लेके खुद बजा के अच्छा है। इनके परिवार में सब लोग गाने वाले बजाने वाले थे, लेकिन इन्होंने जो बजाया वो अलग बजाया। उनके बच्चे जो गा रहे हैं वो अलग गा रहे हैं। ये बड़ी बहुत भगवान की बड़ी स्पेशल कृपा है, इनको भी स्पेशल आशीर्वाद है। हाँ, सबको भी मिला होता है। समीर, क्या कहेंगे आज लेजेंड ने आपका, यू नो, हाउ एक्साइटेड आर यू टुडे ऑन? आई वुड लव टू कंपोज फॉर देम आल्सो। आई वांट टू शो दैट दैट आई आल्सो आई कैन कंपोज डिफरेंट सॉन्ग फॉर देम यंगर जनरेशन। But I don't believe that I will be able to do better than his father. Sameer, what would you like to say? I'm speechless. ये moment के लिए पूरी life में इंसान तरस जाता है कि ऐसे legend के पास मेरी औकात नहीं है बैठने की, पर इतना प्यार है इनका, इनका इतना प्यार है कि ये इतने काबिल समझते हैं कि हम इनके पास इनको touch भी कर पाए। और ये सच्ची में मैं कुछ बोलने लायक नहीं हूँ। इनका आशीर्वाद मिला है, इससे बढ़कर मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। सच्ची बात है ये। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? क्या मेरे पास पैसा होता तो लुटा देता, आशीर्वाद के सवाल कुछ नहीं। वो आशीर्वाद ही चाहिए आपका, और जो आपको मिल गया उससे मेरी ज़िंदगी बन गई। जो आपने गाया है, जो आपने सुना है, ये जब तक आशीर्वाद नहीं होता गला नहीं चलता। कई जनरेशन के लिए आशीर्वाद दिया है, नहीं ये चलता रहेगा। इनके बच्चों को देखिए, वो भी गाएंगे और मैं भी रहूँगा, वो रिलीज कर देंगे। थैंक यू सो मच। क्या करेंगे आज आपकी फैमिली का ही लॉन्च है ये? आज मुझे बेहद खुशी हो रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे छोटे भाई दीपक पंडित की म्यूज़िक कंपनी डीपी म्यूज़िक प्राइवेट लिमिटेड का आज विमोचन है, आज लॉन्च है। और उससे ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जो पहला गाना इस म्यूज़िक कंपनी से रिलीज़ हुआ है वो मेरे भतीजे समीर पंडित और श्रेया घोषाल जी ने गाया है, और बहुत ही खूबसूरत गाना, बहुत ही मेलोडियस गाना ये रिलीज़ हुआ है आज। और मैं ये चाहूँगा कि हमारे परिवार में, शंकर शंभू जी के परिवार में, दीपक पंडित जो है वो एक अलग रतन है, और उसने जो ये स्टेप उठाया है, जो एक बीड़ा उठाया है म्यूज़िक कंपनी का, इसके लिए मैं बहुत दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं दीपक को और उसकी पूरी टीम को, हार्दिक शुभकामना। ईश्वर खूब दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करवाए और खूब आगे बढ़े दीपक। माई बेस्ट विशेज इज़ ऑलवेज विद दीपक पंडित। थैंक यू, धन्यवाद। पहली बात तो दीपक पंडित जी के लिए बहुत बहुत बधाई, समीर को बहुत बहुत आशीर्वाद। एंड एक हमारे भाई ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है एक म्यूज़िक एल्बम से साथ साथ खुद की म्यूज़िक कंपनी डीपी म्यूज़िक। तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी खुशी की बात हम सब के लिए है कि आज एक हमारे बिरादरी का, मतलब एक म्यूजिशियन भाई और एक अच्छा म्यूज़िक डायरेक्टर, अच्छा कंपोज़र, उसने अपनी खुद की म्यूज़िक लेबल शुरू किया है। तो बहुत कम लोग की सोच जाती है वहाँ तक। तो बहुत बहुत बधाई दीपक को कि जो उन्होंने ये सोचा, क्योंकि सोचने के साथ साथ करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये सोचा उन्होंने, और मैं दीपक को और समीर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ उनके फर्स्ट डीपी म्यूज़िक एल्बम के लिए, जो मैंने देखा बहुत ही अच्छा श्रेया ने और समीर ने गाया है। सुपरबली, श्रेया तो खैर बहुत अच्छा गाती है और समीर ने बहुत अच्छा गाया है। तो खुशी का पल हम सब म्यूजिशियन भाइयों के लिए। एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट एंड फॉर हिज लेबल डीपी म्यूज़िक। वर्ल्ड म्यूज़िक, जी ज़रूर। वर्ल्ड म्यूज़िक के लिए ये है कि संगीत हर दिन हर वक्त जीता है। तो हम म्यूज़िक वाले जितने हैं उनके लिए रोज़ संगीत एक वर्ल्ड के जैसा है। हमारे लिए सुबह उठे तो संगीत है, रात को सोए तो संगीत है। तो पूरे 365 डिग्रीज हमारे संगीत में, हमारा जन्म मृत्यु इसी में रहती है। और मैं चाहता हूँ कि आज के इस वर्ल्ड म्यूज़िक डे के लिए पूरे विश्व के जितने भी म्यूजिशंस हैं, सिंगर्स हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, लिरिक राइटर्स हैं, जिन्होंने संगीत के लिए अपना योगदान दिया है पूरा वर्ल्ड में, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एंड पूरे हिंदुस्तान के लोगों को देता हूँ जो हमेशा हमारा म्यूज़िक सुनते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, और हम तक उनका एक बातें आती हैं कि हमको ये अच्छा लगा, ये हमको ये बुरा लगा, ये तो हम उनके बहुत से व्यूज़ भी देखते हैं। तो म्यूज़िक डे के लिए हम सबको बधाई है, और स्पेशली आप जो पूरे मीडिया वाले हैं उनको बधाई, क्योंकि आप अगर हमारी बात पहुंचाए नहीं उन तक तो वो पहुंच नहीं पाती हैं। तो आपको भी बहुत बहुत म्यूज़िक वर्ल्ड डे मुबारक, और पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को म्यूज़िक डे वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। सब क्या कहना चाहेंगे? आज वर्ल्ड म्यूज़िक डे है और यहाँ पे सर दीपक जी का एक फर्स्ट म्यूजिक लॉन्च हुआ है, यहाँ पे हरि प्रसाद चौरसिया है, सर राम करोड़ा जी आए। आप सर क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे? देखिए, वर्ल्ड म्यूज़िक डे एक, अच्छा मैं उसको म्यूज़िक डे बुलाता हूँ क्योंकि वर्ल्ड तो है ही है। तो ये बहुत ही अच्छा एक अवसर है, और दीपक जी जो हैं इतने होनहार कलाकार हैं, कंपोज़र है, वायलिनिस्ट हैं, अरेंजर हैं, और उनका बेटा जो है वो उनका समीर पंडित, पहला उनका एक गीत रिलीज़ होने जा रहा है और श्रेया जी के साथ। मैं बधाई देता हूँ इस बहुत बढ़िया, मैंने गाना सुना, बहुत ही अच्छा गाया है समीर ने। श्रेया जी के तो ऑफकोर्स शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिंगर्स वी हैव इन द कंट्री। समीर जो है बहुत अच्छा गाया है, खूबसूरत आवाज़ है, बहुत सुकून है। इस उम्र में इतना सुकून होना एक बहुत एक मैच्योरिटी के लेवल है और मुझे बहुत उम्मीद है कि ये बच्चा बहुत ही होनहार, बहुत बढ़िया कलाकार बनेगा और मैं दुआ करता हूँ कि he will become one of a very good and a very big artist। नमस्कार। फैमिली की बात करें तो फैमिली जो है म्यूजिक की दुनिया में आगे बढ़ रही है, जैसे आपने कहा कि उनके बेटे भी एक अच्छे हैं। जी, ये लोग दीपक जी का जो फैमिली हैं तो म्यूज़िकल फैमिली इतने सालों से हैं, अभी की नहीं बात है, पुश्तों से हैं ये, तो वो बनेगा ही वो, क्योंकि वो सदियों से वो गाना बजाना कर रहे हैं, पुश्तों से कर रहे हैं वो। और बहुत खुशी की बात है कि वो सारे उनके बच्चे जो हैं, उनके नए पीढ़ी जो हैं, सारे इसी काम में लगे हुए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। सर, सॉन्ग की बात करें तो सर 100 में कितना रेटिंग देना चाहेंगे आप? कितने परसेंट? 100% में कितना रेटिंग देना चाहेंगे? देखिए मैं 90 से ज़्यादा तो दूंगा मैं।